नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20-25 हजार रुपए के बीच में एक नया टैबलेट देख रहे हैं, तो आपके लिए वीवो एक नया टैबलेट जल्द ही इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। और ये टैबलेट है वीवो पैड एयर। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टैबलेट इंडिया के अंदर 14 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। फीचर्स की बात करें इस वीवो पैड एयर टैबलेट के अंदर, तो इस टैबलेट में मिलेगी 11.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, IPS LCD डिस्प्ले ही मिलेगी। लेकिन ये बात अच्छी है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस टैबलेट के अंदर मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात यह है कि ये डिस्प्ले 2.8K रेजोल्यूशन के साथ आएगी। वजन इस टैबलेट का लगभग 530 ग्राम के आसपास रहने वाला है और 295 का PPI रेजोल्यूशन इस टैबलेट के अंदर मिल जाएगा। साथ ही 4 स्पीकर इस टैबलेट के अंदर हमें मिल जाएंगे, तो साउंड को लेकर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साउंड अच्छा खासा इस टैबलेट से मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टैबलेट के अंदर मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 का ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बेस रहता है। कलर OS 13 मिल जाएगा, वो भी एंड्रॉइड 13 के लेटेस्ट वर्जन के साथ। और साथ ही साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप इस टैबलेट के अंदर मिलेगा। तो परफॉर्मेंस इस टैबलेट के अंदर हमें अच्छी खासी मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये टैबलेट एक 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। कैमराज की बात करें तो इस वीवो पैड एयर टैबलेट के अंदर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। 10% चांस है कि शायद फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाए, लेकिन इसके सिर्फ 10% ही चांस है। ज़्यादातर चांस इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने के ही है, और वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम आप 1080p 30fps तक ही कर पाएंगे। बैटरी इस वीवो पैड एयर टैबलेट के अंदर 8500 mAh की मिलेगी, और साथ में 44W का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, तो बैटरी कैपेसिटी भी हाँ अच्छी खासी मिल जाएगी। इसके साथ ही 3.5mm हेडफोन जैक इस टैबलेट के अंदर हमें नहीं मिलेगा। आपको टाइप सी ईयरफोन से ही काम चलाना होगा, अगर आप वायर वाली ईयरफोन यूज करा करते हैं तो। और साथ ही साथ इस टैबलेट के अंदर वीवो पेंसिल का सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वीवो की ये पेंसिल इस टैबलेट के साथ हमें मिलेगी या फिर नहीं। इसके 50-50 चांस ही है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। प्राइस की बात करें इस टैबलेट की, तो चाइना में इस टैबलेट की प्राइस है 2000 युआन, यानी कि लगभग 23,000 के आसपास। तो इंडिया में जब ये टैबलेट आएगा तो इसकी प्राइस आप मानकर चलिए 23,000 से 25,000 के आसपास स्टार्ट होगी। हाँ, वो 4 वेरिएंट्स के अंदर ये टैबलेट हमें देखने को मिल सकता है। चाइना में तो 4 वेरिएंट्स ही लॉन्च हुए हैं, इंडिया में हो सकता है शायद 3 ही वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे। 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB। 12GB 512GB वाला वेरिएंट हमें मिलेगा या फिर नहीं, इसके चांस बहुत ही कम है। और जो लॉन्च डेट है इस टैबलेट की, वो 14 अगस्त के आसपास बताई तो जा रही है, लेकिन इतनी जल्दी ये टैबलेट इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। ये शायद हमें 20 के आसपास देखने को मिल सकता है, और हो सकता है डेट्स और ज़्यादा बढ़ भी जाए,